嗯。 सब के लिए क्योंकि पिछले कल से हमने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी है और बच्चे तो वैसे भी योगा करते हैं सुबह उनकी लगती है योगा क्लास तो मैं पानी गर्म कर लेती हूँ पीने के लिए और हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ चाय उसके बाद हम अपने रूटीन में लग जाएंगे तो तो ये हो रहा है पानी गर्म और जग में मैं डालूंगी फिर जब गर्म हो जाएगा और उसके बाद बनाऊंगी चाय तो दूसरी पतीली जो है उसके हालात में दिखाती हूँ कि सिंक में कितने बुरी हालात हैं इसके शिंगू इस गिलास में क्यों पी रहा है एक अच्छा। बनाना शेक अच्छे लगते हैं इसमें पीते हैं <laughs> अच्छे लगते हैं इसलिए पी रहा है ओके और मैं पी रही हूँ इसमें तो श्रृंगू की खुशी के लिए श्रिंगू उसमें पी रहा है एक्सरसाइज करो और ये पियो वाह पेट भी बढ़ाते रहो खाने में कोई कमी नहीं छोड़नी है हमने श्रृंगू है ना खाने में कोई कमी नहीं छोड़नी है और एक्सरसाइज करने में भी कोई कमी नहीं छोड़नी <laughs> तो अभी लगी थी गाइस श्रृंगी की क्लास और क्लास खत्म हो गई है अब हम दोनों फ्री हो गए हैं और हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए तो गाइस कल जो एक्सरसाइज की है ना उसके बाद टांगों में इतनी दर्दें हुई हैं आज सुबह भी उठ कर मैंने की है ऐसा नहीं किया कि नहीं की क्योंकि अब अगर मैंने छोड़ दी तो बस फिर छूट जाएगी और पूरे शरीर में इतनी दर्दें हो रही हैं क्योंकि हाथ बाजूएं हुए बड़ी बुरी तरह से उठना भी मुश्किल हो रहा है लेकिन करना है और रोज़ करना है तो मैंने सुबह भी की थी और शाम को भी करूँगी एक बार फिर से क्योंकि एकदम से सारा इकट्ठा नहीं हो पाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करूँगी तभी वो एकदम से थोड़ा पूरा महीने में जो है रूटीन बन पाएगा मेरा अदरवाइज ऐसा होगा कि किया और छोड़ दिया तो मैं और श्रींगु चले हैं अब किचन में तो गई कड़ी चावल जो हैं वो पक चुके हैं और हम खाना खा रहे हैं तो आप भी आइए आज दोपहर में यही बना है मैं निकाल रही हूँ यहाँ से एक माला और कौन से वाली लूं वो मैं देख रही हूँ जिसमें ज्यादा खुमानी हो तो ये वाली मैं निकाल लेती हूँ और अब इस माला का हम क्या पकाएंगे खाने के लिए खाने के लिए बनाएंगे हम कुछ और इस माला को लेकर जा रही हूँ तो इसमें से मैं सिर्फ ये खाने की गिरी निकालूंगी और अखरोट जो हैं वो भी ले लूंगी तो इसे चलकर हम सबसे पहले पीसेंगे और फिर बनाते हैं इसकी चटनी तो इसमें पैसे भी लगे हैं जिन्हें मैं निकाल कर रख लूंगी अब मैं इन्हें एक एक करके तोडूंगी तो टाइम लगेगा और मैं इन्हें थोड़ी देर कुंडी में ऐसे ही डाल दूंगी और ऐसे ऐसे इनको थोड़ा सा कूट लूंगी जिससे क्या होगा कि ये धागे से अपने आप ही अलग हो जाएंगे और उसके बाद मैं इन्हें मिक्सी में डाल दूंगी घर से लाई थी मैं हरा पुदीना लेकिन फ्रिज में रखे रखे ये सूख गया है देखने में हरा है और पत्ते सूख गए हैं तो थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया और इसके बीच में अब मैं मसाले डालूँगी उतने में चली गई लाइट लेकिन टॉर्च के साथ बना रही हूँ साथ, साथ ही आ गई फिर दोबारा से लाइट हमारी और थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ मसाला डाला और साथ में डाल दिया मैंने इसमें किचन किंग तो इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी दो हरी मिर्च और मिर्ची आपको तेज़ करनी हो तो तेज़ भी खा सकते हैं मैं जो बना रही हूँ वो थोड़े चटपटे से बनेंगे तो इसमें मैं एक मिर्ची और डाल लेती हूँ और थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्च भी मैंने इसमें डाल ली इसके अंदर निचोड़ लिया मैंने एक नींबू जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और आप चाहें तो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं तो मैंने थोड़ा सा वो भी डाल दिया जिससे जैसे नींबू डाला है और ये सारी चीज़ें डाली हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ये खाने में बहुत ही अच्छा बनेगा अब इसमें दो आलू लिए हैं हमने और इन्हें अच्छे से छील लेंगे आलू छीलने के बाद इन्हें मैं ग्रेट कर लूँगी और सारे मसाले के बीच में मिक्स करूंगी जिससे ये इकट्ठा हो जाएगा और बनाने में आसानी होगी तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम आटे को जो फुला हुआ आटा रखा है हमने उसके अंदर भरेंगे और स्टफिंग तैयार करेंगे और जिससे हम बनाएंगे भटूरू या आप उन्हें कुछ और भी कह सकते हैं तो फिर उन्हें हम फ्राई करेंगे और ये कचौड़ी भी कहते हैं कुछ लोग लेकिन ये आटा फूला हुआ है तो कचौड़ी में आटा फूला हुआ नहीं होता है और ये बहुत टेस्टी बनते हैं आटा देखिए कितने अच्छे से फूल गया है और मैंने इसे बाहर ही रखा था गूँद कर कुछ भी नहीं डाला था तो अब मैं एक एक पेड़ा बनाकर उसके अंदर स्टफिंग को भरते जाऊंगी आप इस तरह से लोई लें उसके अंदर स्टफिंग भरें और ये तैयार हो जाएंगे सारे बनाकर रख लेने हैं लास्ट में उन्हें फ्राई करना है क्योंकि थोड़ा सा टाइम इन्हें रेस्ट चाहिए होती है बनाने के बाद क्या कर दिया कहाँ लगाई यहाँ पर बहुत के निशान कुछ नसे? मेरा बेबी आ गया इसको लग गई अब मम्मा को दिखाने आ गया दौड़ते हुए है ना तो बेबी आज हमने क्या बना दिया क्या बोलते हैं आप इसको इस पब्बर सिंह बोलता है श्रिंगू इनको कि ये है मम्मा पब्बर सिंह और कड़ा ही भर के हमने पका लिए तो आप भी आइए खाने के लिए खैर मैं तो नहीं खाऊंगी ना मैं एक तो मैं खाऊंगी पर एक से ज्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि वेट कम नहीं करना है बढ़ाना है मतलब इसको खा लिया तो तो थोड़ा सा टेस्ट करूँगी मैं नहीं खाऊँगी क्योंकि ज़्यादा हैवी खाना कम करना पड़ेगा बंद तो नहीं कर सकते लेकिन कम करूँगी और आज हमने ये पोल्डू बना दिए इसको बनाने के लिए जो है वो मैंने कुछ भी नहीं किया था आटे को खट्टा करने के लिए सुबह का जो आटा था उसे वैसे ही बाहर रख दिया था और फूल गया था वो आटा तो उसके बीच में आपने देखा मैंने क्या क्या डाल दिया और ये बन गए इसे कुछ लोग पोलडू कहते हैं कुछ लोग इन्हें फूले हुए भटूरे कहते हैं कुछ इनको जो हमारे अपने लोकल में घर में पहले बोलते थे वो भटूरे बोलते थे वो भटूरू बोलते थे पुराने टाइम में और सूखे भी बनते थे ये तो मैंने इनको भर के बनाया कुछ लोग भर के बनाते हैं तो आप जैसे चाहें इन्हें खा सकते हैं और अब मेरे बच्चे खाएंगे इनको तो चलते हैं हम क्या करने खाने <laughs> ना। श्री उछलना कैसे नाच रहा है अभी <laughs> नाच के बता श्री की डांस प्रैक्टिस चली हुई है आजकल कहा गया वो करना फिर डांस की नहीं करना करना कैसे अच्छे से अच्छे से चलो देखते हैं श्री, श्री ने दो गिलास पी लिए हैं गौरी ने भी दो गिलास पी लिए हैं और श्री ने अभी आधा गिलास ही पिया है एक एक गिलास में से आधा पिया है फटाफट जा ऐसे नाक बंद कर और जा श्री सुबह बनाया था मिल्क शेक और बेटा मेरा पसंद नहीं करता है और उसे हम जबरदस्ती पिला रहे थे कि पियो जैसे भी करके पियो और बस इसी तरह से कुछ ना कुछ चला रहता है सबको तो सब कुछ पसंद नहीं आता है लेकिन मैं खिलाती हूँ क्योंकि सब खाओ और हर चीज़ खानी आनी चाहिए बच्चों को तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें